हेलो गाइस, मेरा नाम है वाशु मखलक और मैं रहता हूँ जापान में। सो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया ही होंगे उम्मीद करता हूँ। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ एक ऐसी जगह, अगर आप जापान में रहते हो और अगर जापान में नहीं भी रहते और आने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। और अगर आपका जापान से कोई लेना देना नहीं है तो ऐसी मज़े के लिए देख लीजिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। सो चलते हैं पहले उस जगह, फिर दिखाता हूँ आपको। ओके, लेट्स गो। अभी मेरे एक दोस्त भी आ गया, अगर आपने रिसेंट वीडियो देखी होगी तो आप उसको जानते हो। सो ये है वो लड़की। हेलो। सो कल है इसकी मम्मी का बर्थडे तो इसने लेना है केक। सो ये केक लेने आई है। इसके बाद हम चलेंगे उस शॉप पे जहां हमने जाना है और आपको दिखाऊंगा चीज़ें। ये देख लो, ये जापान के केक हैं। ये 1800 का है। तो क्या है ये? मतलब इससे बढ़िया तो इंडिया में होते हैं प्यारे प्यारे केक, और इतने महंगे हैं छोटे से। इस केक शॉप का नाम है कोजिकोना और इसकी भी काफ़ी अच्छी चेन है जापान में। और आप अगर आपको केक या पेस्ट्रीज खरीदनी है तो अच्छी खासी यहाँ मिल जाती है। हाँ, तो यार मैं क्या कहता, जैसे कि आप अगर जापान में रहते हो या जापान आ रहे हो तो मतलब आपको जो जो नया नया आता है जापान में, तो ऑफकोर्स उसको बहुत सारी घर की चीज़ें चाहिए होती है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और बहुत सारे फर्नीचर वगैरह चाहिए होता है। सो स्टार्टिंग में जब आप जापान आते हो तो ये सारी चीज़ें अफोर्ड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जापान में ये चीज़ें बहुत सारी महंगी हैं। तो इसी वजह से कुछ लोग क्या करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं वो क्या करते हैं, सेकेंड हैंड शॉप से जाके ये सारी चीज़ें खरीदते हैं। तो आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ उस सेकेंड हैंड शॉप में और आपको दिखाऊंगा क्या क्या प्राइस है, कैसे कैसे चीज़ें हैं। सो चलते हैं वहीं पे और देखते हैं। तो ये है मेरे सामने शॉप, आपको दिखाता हूँ जिस शॉप में मैं, हार्ड ऑफ और इस साइड है बुक ऑफ। तो यहाँ पे सेकेंड हैंड चीज़ें मिलती हैं, चलो देखते हैं। ये है कपड़ों का वो पूरा सेटअप जो कि बहुत सस्ते हैं, बट ये सेकेंड हैंड है तो मैं आपको सजेस्ट तो नहीं करूँगा कि ये 110 येन में ये चीज़ें, 110 येन तो काफ़ी इंडिया से भी सस्ता हो गया, तो ये चीज़ें हैं बट ये सजेस्ट नहीं करूँगा मैं। आपको मतलब सब कुछ ही मिलेगा लगभग, जो भी मतलब घर के इस्तेमाल की चीज़ें होती है और जो स्पोर्ट्स वगैरह, बैग, कपड़े, जूते, सारी चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है राइस कुकर। और ये देखो यहाँ पे कितने राइस कुकर है, क्योंकि हर कोई राइस तो बनाता है और ये यूज़ करके बनाते हैं सब। तो इनके प्राइसेस हैं जो कि काफ़ी मतलब नए के मुकाबले काफ़ी सस्ते हैं। और उसके बाद जो सेकंड चीज़ यूज़ होती है वो होता है ये गैस। जापान में जैसे ठंड होती है तो उसके लिए मतलब हीटर भी है काफ़ी, जो कि सस्ते हैं। मतलब कितने का ये? 2000 का है, बहुत काफ़ी सस्ता है यार, 2000 का छोटा हीटर है। बट जब मैंने नया आया था जापान में, मेरे को इन चीज़ों का पता नहीं था, जिसलिए कि मतलब मैंने काफ़ी चीज़ें खरीदी। अगर पता होता तो काफ़ी अच्छी चीज़ होती, मैं काफ़ी पैसा बचा सकता था। इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप भी ऐसी गलती ना करें और काफ़ी पैसा बचा सकें। तो ये यार माइक्रोवेव और ओवन जो कि आपको जापान में चाहिए होता है। माइक्रोवेव तो चाहिए होता है, ओवन तो फिर भी ना मिले क्योंकि आपको खाना खुना गर्म करना होता है। और ये है उसी के नीचे वॉशिंग मशीन्स। और ये देखो, ये 18,700 येन की ये वॉशिंग मशीन है, जो कि काफ़ी सही है। अगर ये आप नहीं लोगे तो ये काफ़ी महंगी पड़ेगी। और उसी के बगल में 9,000, ये तो बहुत ही सही है। तो किसी इसमें तो इन्होंने नहीं लिख रखा है, बट किसी किसी में ये ईयर भी लिख के देते हैं, जैसे कि किस टाइम की है। जैसे ये लिखा हुआ 2020 की है ये वाली। तो इनमें देखो ये काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे ये रेफ्रिजरेटर भी है, ये है 22,000 का और इसमें आपको मतलब ईयर भी लिख रखा है, 2014 का है। मतलब कितने साल हो गए? काफ़ी साल हो गए यार, इसे तो 6 साल हो गए। ये 2013 का है, बट इनकी कंडीशन मतलब काफ़ी सही रहती है। जैसे ये देखो, ये तो काफ़ी महंगा है, ये तो भैया बहुत बड़ा है, ये 52,000 का है। और कंडीशन अगर आप अंदर से देखोगे मतलब काफ़ी सही रहता है। काफ़ी जो नई नई चीज़ों से लेने से बढ़िया है ये सेकेंड हैंड ले लो, तो आपको काफ़ी सही पड़ेगा, आप काफ़ी पैसे बचा सकते हो। देखो ये लड़कियों के कपड़े, जापान में बहुत भयंकर भर भर के हैं। अगर आपको किसी को चाहिए तो आप ले सकते हो यहाँ से और बाकी भी। और हाँ, आप देखो मेरे पीछे वैक्यूम क्लीनर भी है और जो कि काफ़ी सस्ते हैं, 880 येन का है ये बड़ा सा। देख लो ये 880 येन का है, मैंने एक छोटा सा लिया था जो कि मेरे को काफ़ी महंगा पड़ा था, 3-4 हज़ार का, और वो छोटा सा है और ये तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, सोचो कितना फ़र्क पड़ जाता है। देखो शूज़, इनमें से कुछ कुछ शूज़ ना नए भी होते हैं, मतलब लोग लेते हैं बट वो पहनते नहीं है या उनके फिट नहीं आते तो वो ऐसे बेच देते हैं यहाँ पे। देखो 800 सही हैं, 800 तो काफ़ी सस्ते हैं, 1000 येन में। आप वैसे यार पहनने की चीज़ें तो नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो पता नहीं किसने पहनी है, क्या पहनी है, बट अगर बाकी सारी चीज़ें हैं घर के हाउस होल्ड की
वो तो आप साफ सफाई करके मतलब ठीक कर सकते हैं। फर्नीचर मतलब ये फर्नीचर भी काफ़ी सस्ता सस्ता है, ये देख रहे हो 1600, ये है अलमीरा 7700, और ये है सोफे बैठने के 4000 का सोफा, सही है। तो यार आपके अगर आसपास घर के आसपास ये शॉप है या कहीं इलाके में है आपके स्टेशन के पास है, तो आप यहाँ आके मतलब ऐसे शॉप में जिसका नाम हार्ड ऑफ है मैंने दिखाया था, यहाँ आके ख़रीद सकते हो। और अगर आप यहाँ नहीं जा सकते तो आपके पास और भी सेकेंड हैंड सामान ख़रीदने के ऑप्शन है, क्योंकि जापान में काफ़ी फॉरनर ख़रीदते हैं और काफ़ी फॉरनर बेचते हैं जिनको नहीं चाहिए होता, क्योंकि फॉरनर्स का काम होता है कोई मूव करते रहते हैं इधर से उधर, कभी कहीं कभी कहीं, तो कि कोई कोई होम शिफ्टिंग करता है, कोई वापस अपनी कंट्री जाता है, सो वो अपना सामान बेच देते हैं। तो बेचते कहाँ हैं, वो बेसिकली बेचते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब जैसे फेसबुक में है सयोनारा सेल हो गया, मरकरी एक पे एक एप्लीकेशन है, एंड ऐसी बहुत सारी मतलब योकोहामा सेल हो गया, आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ की सेल उसके नाम से कानागावा सेल हो गया, ऐसी करके मतलब काफ़ी पेज बने हुए हैं फेसबुक में जहाँ पे वो ये सामान बेचते हैं। तो आप फेसबुक में सर्च मार सकते हो और काफ़ी मतलब पैसे बचा। बेसिकली डेकोरेशन या मतलब छोटी मोटी चीज़ें, देखो ये सारे सामान जापानीज़ को नहीं चाहिए तो उन्होंने मतलब देखो अगर आपकी फैमिली है बच्चे हैं ये देखो उनके लिए मतलब ये भी है कार्ड्स जो कि काफ़ी सस्ते हैं। ये चीज़ें अगर आप सेकेंड हैंड लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना, ये देखो यार 1000 yen का है, ये ऊपर देखो 3000, ये सारी चीज़ें मतलब ऐसी नहीं है, कुछ चीज़ें इनमें से काफ़ी ब्रांडेड है, मतलब काफ़ी लुइस वितों वगैरह गुच्ची वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें अभी आपको देखो, ये देखो लुई वितों का 19800 का गोगल है, ऐसी वॉचेज़ हैं गुच्ची हो गया, मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों की वॉचेज़ हैं। काफ़ी शौक होता है बैग का, और जापान में बैग जो अच्छे अच्छे ब्रांड है काफ़ी महंगे हैं, तो ये देखो यहाँ मतलब कितने सारे बैग हैं, क्योंकि कुछ लोग यूज़ करते हैं और फिर मतलब दूसरा ख़रीद लेते हैं, इनके पास पैसा ही पैसा है। भाई ये इसकी शक्ल देखो, ये सैड है या गुस्से में है, थोड़ी डरावनी है। ये देखो यहाँ पे देखो ये काउच का लगा हुआ है, ये पराठा का लगा हुआ है, ये जिमी चू का बैग है 5500 का, बस जिमी चू का बैग, सोच रहे हो। और ये ओरिजिनल है ऐसे कुछ फेक, ये देखो मेरे पीछे बैग लग गए, हैंड बैग लगे, और ये जेंट्स के हैंड बैग हैं। जापान में जेंट्स भी मतलब ऐसे लेडीज़ की तरह मैंने देखे हैं काफ़ी, पहले तो मेरे को शौक होता था जब मैं नया नया आया था, ये हैंड बैग होते हैं तो जापानीज़ लेके जाते हैं ऑफिस बैग मतलब, और थोड़े लेडीज़ टाइप के भी लगते हैं। तो ये देखो ये कोच का बैग है जो कि 13200 yen का है, जो कि काफ़ी सस्ता है यार। ये सुंदर सुंदर डिशेस है जो हमारे इंडिया में शादियों में मिलती है गिफ्ट, ये तो आप मतलब हैकोइन से भी खरीद सकते हो नॉर्मल, बट ये काफ़ी अच्छी वाली है। काफ़ी चीज़ें बट कपड़े बहुत ज़्यादा है मैंने देखा, तो क्योंकि शायद कपड़े छोटे हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं या उन्हें पसंद नहीं आते कुछ टाइम बाद, तो वो जल्दी फेंक देते हैं मतलब दे देते हैं। अगर आपको कैंपिंग वैम्पिंग में जाना है और आप जापान में, और क्योंकि टेंट वेंट भी बहुत महंगे मिलते हैं वहाँ, लोगों ने टेंट वेंट भी रख रखे हैं, स्पोर्ट्स बाइक की जैकेट रख रखी है, तो ये भी आप ले सकते हैं। जॉर्डन मॉडर्न भी लगा हुआ है काफ़ी, क्योंकि प्राइस है इनका ये 26000 मतलब 26400 का है, और असली में इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बाइसाइकिल्स, ओ टीवी भी है, टीवी काफ़ी महंगा है भाई, टीवी है 1,65,000 का, ओ भाई खतरनाक। सुपरमैन ये देखो जो हम बचपन में खेला करते थे, वो सबसे पहले जो गेम आते थे वो कीबोर्ड वाले, ये डोरेमोन देखिए 1000 करीब के हैं, ये
अगर हाँ आप अगर आपको लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए तो यहाँ देखो अभी आपको दिखा दो कितने बढ़िया बढ़िया इनकी कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है। ये सिस्टम है ये देखो ये मैक प्राइस देखो 27,000 ओ माई ये तो 1,10,000 ओ माई गॉड येन में है। ये देखो लैपटॉप बाकी पेजेस के जो लिंक्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और क्या बोलते हैं जो फेसबुक में जो सेल लिंक पेज है तो वहाँ से आप खरीद सकते हो क्योंकि ये जो शॉप्स हैं शॉप में जो होता है बेसिकली ये खरीदते हैं एक पर्सन से तो फिर उसको रखते हैं फिर उसका पैसा थोड़ा बढ़ा के उसकी थोड़ी मरम्मत करके फिर बेचते हैं। और जो ऑनलाइन होता है फेसबुक वगैरह में जो पेजेस है वहाँ होता है ऐसा कुछ है कि जैसे मुझे कुछ बेचना है तो मैं सीधा वहाँ अपनी पोस्ट डालूँगा और आपको ख़रीदना है तो आप सीधा पोस्ट डालोगे हमारी बात होगी पैसे डिस्कस होंगे और आप लोगे और चले जाओगे बीच का कोई लेना देना नहीं क्योंकि सिंपल पे ये देखो इन्होंने आईफोन 5 रखे हुए हैं देख रहे हो ये रहे आईफोन 5 ये 2,750 येन का है इंडिया की करेंसी में तो और सस्ता हो जाएगा 1,000 कुछ का। मेरे पीछे ये देखो गिटार लगे हुए हैं जिसको बजाने का गाना गाने का शौक होता है माइक वगैरह भी लगे हुए हैं स्पीकर एम्पलीफायर वगैरह है सो ये तो मतलब शौक की चीज़ें ओह इलेक्ट्रिक गिटार कितने सेक्सी सेक्सी हैं ऊपर ये तो ऑप्शनल है आप लो ना लो बट वो चीज़ें आपको जो चाहिए चाहिए और आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो स्टार्टिंग में और कभी भी मतलब तो ये आप सेकेंड हैंड शॉपों में जाके ले सकते हो। एक तो ये हार्ड ऑफ है एक और है सेकेंड स्ट्रीट है तो ऐसी एक शॉप और है ऐसी दो तीन शॉप और है मेरे को नाम अभी पता नहीं है मतलब याद नहीं आ रहे हैं सो ऐसी शॉपें हैं जहाँ से आप ये सामान खरीद सकते हो। Not everyone can understand this music what I play only me that can and some special people yeah chhota sa idhar chhotko sa isko bag mein dalo aur kahin bhi le chalo what do you call this ye gamers ke liye PS3 bhi hai PS3 aapko 8800 ka jo 7700 ka ye dekho yahan matlab pura drum ka set bhi hai स्टिक नहीं है बजाए कैसे वरना मैं बहुत बड़ा टैलेंटेड आदमी हूँ। ऐसी मतलब काफ़ी चीज़ें हैं और अगर आपको मैं एक एक चीज़ करके दिखाऊंगा तो यार काफ़ी लेंथी हो जाएगी वीडियो तो शॉर्ट में मतलब मेरा ये कहने का मतलब था आपको मैं दिखाना चाह रहा था कि ये चीज़ें आप यहाँ जगहों से खरीद सकते हैं। देखो आईफोन सॉरी जूम करके देख लेना क्या क्या प्राइस है क्योंकि बहुत सारे हैं कैसे बताऊँ सबसे लेटेस्ट ये है एक्स मतलब सेकेंड हैंड में बाकी शॉपों में आपको और भी मिल सकता है यहाँ पे एक्स है जो कि 33,000 येन का है दिस गोसेन 5,000 ओके 8,000 हाँ किचिमान कुत्ता हेल ओके 37,000 का गिटार 37,000 का पिंकी इससे सस्ते तो वो लगे हैं प्यारे प्यारे इसमें ऐसा खास पता नहीं क्या अपने को इतनी नॉलेज नहीं है। सो गाइस आज के लिए इतना ही सो कैसा लगा आपको वीडियो होप करता हूँ अच्छा लगा होगा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए सो आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए और तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर सी या बने रहिए इस चैनल पर।